चमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, श्रावण महीने की दशमी तिथि को उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो, क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है। श्रावण की दशमी चाहे उजाले की कर लो, चाहे अंधेरी की कर लो, एक केवल दशमी चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरी की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र दसवीं की तिथि के लिए, केवल दसवीं चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव, शिव जी का एक। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती मारती खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रम्भेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, तो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए। महाराज शमी के 11 पत्ते कलश को छुआ कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को, उस जल को सुबेरे दोपहर शाम 3 बार श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रम्भेश्वर महादेव, आखिर मैंने पुण्य कौन सा करा जिसके कारणवश मुझे भगवान शंकर का धाम मिल रहा है, शिव का लोक मिल रहा है, शंकर की चौखट मिल रही है। आखिर मैंने करा क्या? शिव गणों ने कहा तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हारी माता ने एक लोटा जल जो देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया था बस उसी जल का पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ। एक बात आपको पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, सारे पुराण शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि इसको सुनने से 7 पीढ़ी तर जाती है, ऐसा करने से 7 पीढ़ी तर जाती है। केवल शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा ये कहती है कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला या शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले की 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव कथा, कितना एक कथा सुनने के लिए बहुत घनी आबादी में आप लोग बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो। कथा सुनने के लिए आप देखा जाए तो जो शंकर जी का मंदिर एकांत में है कोटेश्वर,
एकदम अलग जंगल में आनंद के साथ मेरे महादेव विराजमान है। ऐसे देवाधिदेव महादेव की एकांत में, आपको पहले भी कथा में कहा, जहां बाबा आराम से बैठे हो और वहां ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, तो अपने दिल की बात भी कहकर जाना, तो दिल से देवी देगा, दिल से कहो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, डोर हटो छड़ी लाम कटली जावा। अब दिल से कहो, देवराज भगवान का भजन कर आनंद पाकर शिव धाम को चले गए। शिवजी पर चढ़ाने वाली वस्तु, शिवजी को समर्पित करने वाली वस्तु, शंकर भगवान को देने वाली वस्तु अपनी खुद की हो। पहले के लोग क्या करते थे, मंदिर जाते थे, मंदिर का ही जल भरकर शिवजी को चढ़ा देते थे। अब आप लोग मंदिर का जल लेते हो क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं लेते। कहां से लेकर जाते हो? अपने अपने घर से लेकर। कारण क्या है? वास्तु दोष होता है तो घर में होता है, पितृ दोष होता है तो घर में होता है, काल सर्प दोष होता है तो घर में होता है। घर के हंडे में से, मटके में से, परिंडे में से जब हम एक लोटा जल लेकर जाते हैं और शिवजी को समर्पित करते हैं, तो अपने घर के सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। केवल जल समर्पित कर देने पर, केवल जल चढ़ा देने पर सारे दोष मिट जाते हैं, सारे दोष। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव अधिदेव महादेव, करुणा करने वाला, अपना खुद का एक बहुत सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, पुष्प दंत की कथा। गंधर्व था, इंद्रलोक में इंद्र की सभा में बैठकर गायन करता था, कविता पाठ करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, स्मरण करता था, गायन में लगा रहता था। एक बार उसके मन में आया कि पृथ्वी पर मैं जरा भ्रमण कर आता हूं, पृथ्वी घूम कर आता हूं, और पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए वो गया। फूल पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा है। फूल चढ़ाने से पहले फूल चढ़ाने का तरीका आना चाहिए। फूल चढ़ाने से पहले कौन से पुष्प आप देने जा रहे हो, वो फूल कहां से लेकर आए हो, उसका तरीका आना चाहिए। भले आपके पास में पुष्प नहीं है, आपने मंदिर कई पुष्प चढ़ाया, तो उसका भी तरीका आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप नए नए भजन का निर्माण करोगे, आप दूसरे का भी अगर भजन गा रहे हो तो उसको भी गाने का तरीका होना चाहिए। पुष्पदंत गंधर्व है और गंधर्व के साथ में उसको वर प्राप्त है कि ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, और ये कुछ भी कार्य करेगा तो लोगों को दिखेगा नहीं, इसकी वाणी नहीं दिखे सुनाई नहीं देगी, इसके शब्द नहीं सुनाई देंगे, ये सामने दिखेगा नहीं। ये पुष्पदंत गंधर्व की कथा है। बैस क्या तो कम कर दो, या चुंगे जैसी आवाज आ रही है उसको सेट करो ना, बार बार बोल रहे हैं उसको। पुष्पदंत गंधर्व
पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, और जब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए पुष्पदंत गंधर्व आता है, पुष्पदंत गंधर्व जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा होता, भ्रमण करते करते इसकी एक आदत थी भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान शंकर का भजन करना, भगवान शंकर का स्मरण करना, शिव जी की आराधना करना, शिवलिंग की पूजन करना। अब पुष्पदंत गंधर्व ने विचार करा कि मैं पृथ्वी पर आ गया हूं, क्यों ना यहां शंकर के शिवलिंग का निर्माण करूं और उसका पूजन करूं। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पुष्पदंत गंधर्व करने लगा। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करता, कहीं से फूल पत्ती मिल जाते समर्पित कर देता। एक बार उसके मन में आया कि चलो जरा मैं भ्रमण कर आता हूं। भ्रमण करते 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 राजा चित्ररथ के सुंदर उद्यान में, सुंदर बगीचे में पहुंच गए। कभी कभी आप भी जाते जाते रास्ते में किसी का पौधा देख लेते हो, किसी का पेड़ देख लेते हो, किसी का बगीचा देख लेते हो, किसी की वस्तु देख लेते हो, आपके भीतर भी वो भाव जागृत हो जाता है कि ये अच्छा फूल है, मैं भगवान के लिए तोड़ लेती हूं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, लाल कलर का वो फूल होता है ना, तो लोग किसी के भी पेड़ से, किसी के भी बगीचे से, किसी के यहां से भी तोड़ कर ले आते हैं, देवी जी को चढ़ा देते हैं, बड़े प्रेम से पल्लू वल्लू लेके खुश होके। तुम सोचती हो कि देवी मैया प्रसन्न हो गई। देवी जी कह रही है, अरे यो चोटी, बताओ, दूसरे के घर का चुरा कर लिया, दूसरे के घर का उठा कर लिया, दूसरे का सामान लेकर आ गई और चढ़ा कर कर रही है कि मैंने भगवान का पूजन कर दिया, भगवान की आराधना कर दी, भगवान की सेवा कर दी। ना ना, जिसे अपने घर का एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, अगर किसी के यहां तुमने पूछ लिया कि हमें आपके बगीचे का फूल ले जाएं, वो आज्ञा दे दे तो ले जाओ। वो आज्ञा दे, लेकर जाओ। आज्ञा होने के बाद में फूल शिवजी को चढ़ा रहे हो, तो वायु पुराण कहती है, वायु पुराण वर्णन करती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोग क्योंकि सब कोटेश्वर के पास के हो, तो आप लोगों के तो स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है, तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है।